इसमें नशेड़ी लोग बैठ के अपना दारूबाजी और नशा का काम करता है। ठीक है, 24/7 सर्विस जोन लिखल जाला नु, तो ओकरा उल्टा भाई 24/7 सर्विस बंद, ताला बंद, स्टाफ बंद। सरकार माने एक पर एक अपन दावा करत रहला कि हम हमार स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा बाटे। हम कहते नहीं का ये स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लेकिन देख सकता है लेकिन कितना आवेदन पड़ल बा, गिनती करा सकता नहीं। वो गरीब और मजबूर आदमी के सरकार जोन बा इस स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इतना मजबूर और कर देती है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता और अपन सब चीज के आवता। मन डॉक्टर तो रखल जाला मरीज देखे खातिर, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के देखले ज्यादा दिन हो गए। एम्बुलेंस के फोन कर एकदम तत्काल आ जाइए, तो मरीज मर जाए ना तो अपना पैसा से हम निकले जाइले। स्थानीय लोग का नाम बा कि नशेड़ी के अड्डा बन गई भाई देखली। नमस्कार, झलको गोपालगंज, हम राजेश, अभी हम पहुंचल बनी गोपालगंज बरौली विधानसभा क्षेत्र के आदमापुर पंचायत के मझवलिया गाँव में। एजक जन बा कि स्वास्थ्य उप केंद्र बा, जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त कर जाता है। देख सकते हैं स्वास्थ्य उप केंद्र बदहाली के शिकार बा, कोना प्रकार के जन बा कि एक और गेट भी टूट गई बा और चारों तरफ जंगल उंगल भी जाम गई बा, और अंदर भी रोलिंग के दिखाएं, रोलिंग के दरवाजा दिखा दी ये कैसे सड़ गई बा और ताला लागल बा, लकड़ी में जन बा कि कीड़ा लग गई बा। स्वास्थ्य उप केंद्र के स्थिति देख रही लोग, देख सकते हैं बेड के का स्थिति भइल बा, कब से इस जन बा की बदहाल पड़ल बा। देखिए स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य एगो ऐसा समस्या बा चीज बाटे जो कि अगर सही तरीका से देख रेख सरकार के तरफ से ना कल गई या विभाग के तरफ से ना कल गई तो उजा के लोग के काफी परेशानी होखेला। और यह परेशानी के देन जोन बा आज स्वास्थ्य केंद्र जोन बाटे आदमापुर में स्थित बा मझवलिया गाँव में, एजा ये कभी खुलबे ना करेला। अनेकों बार अनेकों साल से आवेदन दिहल जा रहा बा। पिछला बार के हम वाक्य बता दी कि अनेकों बार शुरू से लेकर के लास्ट तक आवेदन दिहल जात रहल, स्थानीय ग्रामीण से लेकर के सारा लोग ये रहल, साथ ही साथ मतलब जे समाज सेवी संगठन से लोग बाटे जैसे कि टीम YFC आदमापुर में बहुत ही अच्छा काम करेला समाज सेवा के तौर पर, उन लोग के द्वारा भी काफी आवेदन दिहल गई कि जो जल्द से जल्द सुधार कर जाए। टीम YFC के द्वारा या अन्य लोग के द्वारा जोन भी आवेदन दिहल गई बा, देखिए वो थाती एगो हो गई बा। देख सकता टीम YFC के द्वारा देख सकता कितना आवेदन पड़ल बा, गिनती करा सकता नहीं। सिर्फ स्टेटमेंट से काम ना चल रहा। हम कहते नहीं कि स्वास्थ्य विभाग में आज तक जिला पदाधिकारी महोदय तक, पिछला जिला पदाधिकारी महोदय तक ही बात गई रहे, लेकिन वहाँ के भी अभी तक कोनो ऊपर संज्ञान ना लेनी, वहाँ के ट्रांसफर भी हो गई, लेकिन अभी जोन बात हमनी के आवेदन दिहल गई बा, लेकिन हम कहते नहीं कि हमनी के स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य से संबंधित जो पदाधिकारी बा वो काहे सुतल बा, काहे ये जगह लोग काम करे नहीं आवत, काहे वो ड्यूटी अपन कागज पर ही हस्ताक्षर बना करके अटेंडेंस बना करके और काहे वो लोग अपन तनख्वाह उठावता। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र बा दवा भी मिलत हुई वो सब दवा कहाँ जाता। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र बा ते एजा ये बेड देखनी है नुरुआ कौन बुरा हाल में दू दू गो बेड एजा पड़ल बा। ये बेडवा काहे खाती बा, क्योंकि सुते खाती कोनो रेस्टोरेंट तो ना नु इस रेस्टोरेंट ना है, ये एगो हॉस्पिटल है और एजा मरीज के लेटा करके चेकअप करे खाती शायद ये बेड रखल गई हुई ना, तो वो बेड के कौन जरूरत रहे, ओकर कोनो जरूरत ना रहे। आज ये जंगल के अंबाड़ लागल बटे, एजा कोनो व्यवस्था नहीं है ना, केहू सवेरे मैंने केहू अइबे ना करेला तो आखिर केहू काहे ना आवेला। और इतना बार वो आवेदन दिहल गई लेकिन पर कार्रवाई काहे ना भइल। ये कोरोना काल में आज लोग परेशान रहला और ऐसा समस्या में सरकार माने एक पर एक अपन दावा करत रहला कि हम हमार स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा बाटे। हम कहते नहीं का ये स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के जन सरकारी स्तर से दावा कर जाता ये झूठा साबित होता। बिल्कुल, सरकारी स्तर पे जन स्वास्थ्य विभाग के जन दावा कर जाता बिल्कुल झूठा बटे। हमने के तो ये तो बहुत अफसोस के बात बाकी है, हमारे पंचायत के चीज बटे तो स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं से लचर बा। आज रुआ नाला की बात करता नहीं, हम कहते नहीं कि गोपालगंज में सदर अस्पताल में जहाँ लोग के इलाज कल जाता उपचार कल जाता ऊर्जा की व्यवस्था काफी साफ सुथरा होके के चाहिए, लेकिन ऊर्जा की व्यवस्था जब गेट पर घुसा तो के बारिश होती हुई तो रुआ पता चल जाता कि ऊर्जा पानी के जल जमा हो गया, लोग पैदल जाए वाला लोग ईटा पर लगा लगा करके तब जाला अंदर ना तो वही में पानी में पौड़ करके जाला। तो हम कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जब गोपालगंज के सदर हॉस्पिटल के वो हाल बा तो इहो हाल जोन बा इहो बद से बदतर बाटे। और दोनों जगह के हर जगह के स्वास्थ्य व्यवस्था के अगर सही ना कल गई तो हमने के खासतौर पर अपना ही एकदम उग्र से उग्र आंदोलन करे खातिर अब तैयार हो गए। 24/7 सर्विस जोन लिखल जाला नु तो ओकरा उल्टा भाई 24/7 सर्विस बंद, ताला बंद, स्टाफ बंद, कोई स्टाफ नहीं आएगा, सर्विस कोई नहीं होगी, जंगलों का अंबार लगा रहेगा। पंचायत में जोन बा की स्वास्थ्य व्यवस्था के बात कही जा तो प्रसव के समय जोन बा दर्द पीड़ा या तकलीफ होला तो उस समय वो महिला के कहाँ ले जाए पड़ती। लोग अपना गाड़ी से लेके जाला, प्राइवेट के गाड़ी लोग मंगावेला अगर वो तरीके के बात हो गया तो। वो नंबर पर जो फोन कही जाला नु एम्बुलेंस वाला फ्री वाला जो नंबर बा तो कहेला कि सेवा में नहीं है। अगर भूल वश लागी हो गई तो केहू
उठावे वाला नहीं है। इस तरीके की व्यवस्था होके लोग का करी, गरीब आदमी बा, मजबूर आदमी बा, और वो गरीब और मजबूर आदमी के सरकार जोन बा इस स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इतना मजबूर और कर देती है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता और अपन सब चीज गंवा के आवता। ये तो हमारा अंदाजा से 10-15 साल पहले से तरह लगल बंद हमने के होश जब से आयल तब से आदमी डॉक्टर लोग के आवागमन में नहीं देख ले। जहाँ तक स्थानीय लोग के कह के मतलब है कि 20 साल हो गई, ठीक है, 20 साल से जी क्यों ना वाला सब चीज मतलब सुविधा भी लिखल 102 एम्बुलेंस सेवा, लेकिन कोई काम ना करेला, ठीक है, सब चीज लिखल बा, इलेक्ट्रिक बिल लागल, मीटर भी लागल बा, ओकर बिल कहाँ से भराला ना भराला इसे का जानती है। कुछ लोग के कहना बा कि ताला बंद रहला से अतिक्रमण के शिकार बा, कौन प्रकार के अतिक्रमण बा? बहुत सारा प्रकार के अतिक्रमण, इसमें नशेड़ी लोग बैठ के अपना दारूबाजी और नशा का काम करता है, ठीक है, और ये देख ही रहे हैं अतिक्रमण का ये नतीजा आपको दिख जाएगा। ताला बंद रहला तो कैसे चल जाला मैं अंदर? अंदर है, हमें ताला नहीं है बंद, है अंदर है, अंदर जा सकता, दरवाजा ही नहीं है। लोग देख सकता इन लोग कि दरवाजा ही टूट गई बाबे, दरवाजा टूट गई से जन भाई की स्थानीय लोग का नाम भाई की नशेड़ी के अड्डा बन गई भाई, देख ली लोग देख सकते कौन प्रकार के जंगल झाड़ एज में हो गई बाबे, लावारिस हालत में पड़ल बा। तो कुछ लोग का नाम भाई की अतिक्रमण के भी शिकार भाई बहुत पहले 10-12 साल पहले जा के हुए डॉक्टरो बैठत रहा, मैंने डॉक्टर तो रखल जला मरीज देखे खातिर, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के देखले ज्यादा दिन हो गए, यानी कि खुद ही बीमार पड़ा जी, बीमार बा, तंत्र बीमार बा, एम्बुलेंस के फोन कर एकदम तत्काल आ जाइए, या तो मरीज मर जाए ना तो अपना पैसा से हम निकले जाइले था, ले जाते मान ली केहू गरीब बा जो सक्षम ने केहू ना ले जा पावला, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी टाइट बा, लगा तो फोन ना उठी, अगर फोन उठ गए तो गलती से उलो आई ना। जहाँ तक देखल जाए कि सरकार के तरफ से दावा कर जाता स्वास्थ्य व्यवस्था के लेके, कहीं ना कहीं दावा की फेल साबित होता। हाँ मैंने अब हमने के तो हमारा अपना पंचायत के हिसाब से फेल बा, मतलब आदमापुर पंचायत के हिसाब से जहाँ हमने के बानी सहन हो जाए डॉक्टर ने कहा तो हमने कहीं तो फेल बा, कोई सक्षम तो नहीं है प्राइवेट में देखा खातिर न जी, आ जब प्राइवेट में ना जाए तो जब खुलबे न करी। मरीज के इलाज करे वाला स्वास्थ्य उपकेंद्र जहां प्राथमिक उपचार कैल जाला उ खुद ही बीमार पड़ल बा, और एजक के लोग जन बा कि कई बार वरीय अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के जन बा सदर अस्पताल में मौजूद सिविल सर्जन वहां से भी कितना लोग जन बा कि आवेदन देले बा चालू करावे के, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के थोड़ा भी पर ध्यान नहीं जात, जोना के वजह से स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाली के शिकार बा। वीडियो रोल इनके अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी, धन्यवाद।